धूकोट के स्वास्थ्य केंद्र पर जन्मी एक्सप्रेस वाहन के अभाव में नवजात शिशुओं और डिलीवरी महिलाओं को तकनीकी और भीड़ के बीच यात्री बसों से अपने घर तक जाने को मजबूर है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई एक महिला डिलीवरी के बाद अपने 6 घंटे के नवजात शिशु को लेकर तपती धूप भीड़ भरी यात्री बस में घर पहुंच गई। इस बात की खबर धूकोट के स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को भी नहीं रही, जबकि इस समय कोरोना संक्रमण चल रहा है। यात्री बसों में इतनी अधिक सवारी और गर्मी के बीच 6 घंटे के नवजात शिशु को ले जाना काफी खतरनाक है। इधर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी के लिए आने वाली महिलाएं डिलीवरी के कुछ घंटे बाद ही अपनी मर्जी से छुट्टी मांगती है, इसलिए हम दे देते हैं, जबकि स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी के 24 घंटे बाद ही नवजात शिशु और डिलीवरी महिला की छुट्टी की जाती है। लेकिन इस समय कोरोना संक्रमण के चलते स्वास्थ्य विभाग की यह लापरवाही नवजात शिशु और प्रसूति महिला के लिए भारी पड़ सकती है। तो स्वास्थ्य केंद्र पर कितने घंटे तक उपस्थिति का प्रावधान है? ये तो 3 दिन का प्रावधान है, 3 दिन रखने हैं इनको, लेकिन कि हम तो कोर्स करते जाने यहाँ पर हम फिर उनसे नोट्स लिखा लेते हैं और बच्चों सब जांच करके महिला स्वास्थ्य असहावे सुतपा एजुकेशन सोसाइटी ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर और एसडीएम को सौंपा है। असहावे सुतपा एजुकेशन सोसाइटी जिलाध्यक्ष अब्दुल बासित ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले नरसिंहानंद सरस्वती महाराज के अपशब्दों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मामले में फर दर्ज करने की मांग की है। हम आपको बता दें कि मंगलवार को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन एसडीएम और कलेक्टर को सौंप कर अपशब्द कहने वाले महाराज पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि हम अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने इन गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। सारी दुनिया के गुस्ताख के नबी सुन ले, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जैसा कि पिछले दिनों एक जहरीले कीड़े ने आलम इंसानियत के लिए कुछ अब्द शब्द ऐसे कहे हैं जो मैं आपके सामने बता नहीं सकता, वीडियो बनाकर और कॉन्फ्रेंस लेकर ने अब्दुल शब्द कहे हैं। हमारे और बहानपुर शहर के वासियों को इसकी बहुत खतरनाक दर्द हुआ है और हमें ठेस पहुंची है। हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय के माध्यम से, ये कहा है कि इस पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हम पहले ही कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं और ये नफरत फैलाने वाले कीड़ों से भी हमें लड़ना पड़ रहा है, हमें दुखद है। तो हम महामहिम राष्ट्रपति जी से और नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करना चाहते हैं कि इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए।